बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे वीवर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगेन हम खुशियां बांटने के लिए फिर से हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मुस्तैक फैमिलीज़ को एक्सप्लोर करना होता है, उनकी जो फरियाद है हम आप तक पहुँचाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो फरियाद होती है उसका रिज़ल्ट सामने आता है और उनकी हम हेल्प करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे काम में मज़ीद बरकत अता फरमाएँ, और अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा सलामत रखें जो इतना दूर बैठ के हमारे साथ चलते हैं। तो अभी हम आते हैं अपनी आज की वीडियो पे। तो प्यारे व्यूअर, पाकिस्तान में जो सर्दियों का सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सी बहनें मेरे पास फरियाद लेकर आई कि बेटा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रज़ाइयों को लेकर बेहद परेशान हैं। तो मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है, जब भी मेरे पास मेरी बहनें आती हैं मैं उनकी जो फरियाद होती है, जो उनके मसाइल होते हैं, वो मैं लिख लेता हूँ। फिर हम देखते हैं, जैसे ही हमारे पास मौका आता है और बेस्ट टाइम होता है और जब हमारे पास बजट आता है, फौरन हम उन तक वो अमानतें पहुंचा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खवातीन आती रही हैं, उन्होंने कहा है कि रज़ाइयों की बेहद हमारे पास ज़रूरत है, हमारे बच्चे हैं, सर्दी हैं। आप सब जानते हैं कि सर्दियों का एहसास भी तब होता है जब सर के ऊपर गर्म बिस्तर ना हो, जब गर्म कपड़ा सर पर नहीं होती और रातें बेहद ठंडी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे सर्दी से बलक रहे होते हैं, तब कितनी एक बुरी सिचुएशन में ये लोग होते हैं। मैं खुद भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि ये किस हिसाब से अपनी लाइफ को गुजार रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी माँ जी की तरफ से इन रज़ाइयों का इंतज़ाम हुआ है। जैसे ही मेरे पास इंतज़ाम हुआ है, मैंने अपनी इन प्यारी माओ बहनों को दोबारा इन्वाइट किया है, आज ये यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 25 फैमिलीज़ में गर्म बिस्तर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी प्यारी माँ जी का। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखें, अल्लाह पाक आपके बेटे सलमान शाह को तंदुरुस्ती अता फरमाएँ, वो हमेशा खुश रहें, और इसी के साथ आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आपको अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत दिल दिया है मेरी माँ, आप इतना दूर बैठ के, हमारे गांव की भी औरतें हैं और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि हमारे गांव से दूसरे गांव की भी हैं, सब के सब इंतहाई गरीब फैमिली से रिलेटेड हैं, और इनमें जो मेजोरिटी है बेवा ख़वातीन की है जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आई हुई हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माँ जी आपका, अल्लाह पाक आपको खुश रखें, आप हमारे साथ इन लोगों का सहारा बनते हैं। हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपनी बहनों से पूछेंगे कि आपको इन रज़ाइयों से कितना फ़ायदा हुआ है। तो कम से कम 2 से 3 अफराद एक रज़ाई में कवर हो जाएंगे। Thank you.
अभी हमारे साथ हमारी एक माँ जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शुक्रिया माँ ठीक है। तराजी मिल के हमें के लिए रहती हूँ। अच्छा, अल्लाह मैं बेटी मेरे बेटे को शिफा दे और मैं उनके लिए दुआ करती भी और करती भी रहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मिल के मैं ऊपर में डालूंगी ना। अच्छा। आप फिर भी दुआ करूंगी, सर्दी रखती है ना, तो सर्दियाँ आ रही हैं। पहले रजाई नहीं थी आपके पास? नहीं 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 थी। आप यही है बस छोड़ूंगी। अच्छा जी, वो थी तो सही, पुरानी थी ना। अच्छा, ये तो नहीं मिल गई बस। उसमें सर्दी लगती थी? हाँ सर्दी लगती थी बस। पहले हमारी माँ जी के पास जो रजाई थी बिल्कुल बारीक सी थी, तो अम्मा जी कहते हैं उसमें मुझे सर्दी लगती थी। अब एक नई रजाई मुझे मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। और जिस बेटी ने मुझे दिया है मैं उनके लिए भी दुआ करूंगी और उनके बेटे के लिए भी दुआ करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ठीक है। अम्मा जी क्या अल्लाह बोला, क्या हाफिज। क्या बोला आपने? मैंने जी उनके बेटे का नाम सलमान शाह। हाँ सलमान शाह, अल्लाह में उनको शिफा दे बस। आमीन, करती भी रहूंगी, मैंने पहले भी पूछा था आपसे नाम, उसका पूछा नहीं है। जी जी बिल्कुल फिर अभी बिल्कुल करती रहूंगी। ठीक है जी, जजाकल्लाह। इसी के साथ हमारी एक और माँ जी हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अम्मा जी, तुसा खुशी वे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अम्मा जी, कितो है वे तुसी? अम्मी जी, ऐसा है मुबारक हल तो मुबारक वाला इलाका है, वहां से आए हैं आप। तो माँ जी आपकी रजाई नहीं थी? नहीं। चले अब आपको रजाई मिल गई है, आप खुश हैं? जी आप खुश हैं? कितना खुश हैं आप? ढेर सारे खुश हैं। दो बच्चे सामने से आप इनार सामने से चलो। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन आप ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिस्टर ये बताएं, इस रजाई से आपको कितना फायदा हुआ है? भैया बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। हम मतलब फैमिली मेंबर ज्यादा थे और नानी अम्मा बहुत बुजुर्ग है, उनके पास रजाई नहीं थी, तो ये रजाई इनको जाके दूंगी। तो ये रजाई मेरी बहन कहती है कि मैं अपनी नानी अम्मा को दूंगी, वो बुजुर्ग हैं, उनके पास रजाई नहीं थी। तो प्यारे व्यूअर देखें कि जितनी भी हमारे पास फैमिलीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सब के लिए ठीक है जी, एक मैं कहता हूँ रजाई होगी इनके लिए, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये यहाँ से लेके जाएंगे सर्दियों में, मैं कहता हूँ कि इनके लिए बेहद आसानी पैदा होगी। हमारी जी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम सिचुएशन के मुताबिक इनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें जो इनके लिए बेहतर हो। इसी तरह कुछ हमारे साथ ऐसी भी फैमिलीज हैं जो कि पर मंथ हमारे साथ चल रही हैं, हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने ग्रोसरी का सामान भी देते रहते हैं। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाएं, अल्लाह पाक हमारी माँ को जज़ाए खैर अता फरमाएं कि उनकी वजह से आज 25 खानदान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से गिफ्ट लेकर जा रहे हैं। जजाक अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله